जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टी सीरीज भक्ति भजन में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शिव भगवान के बारे में। सावन लग चुका है दोस्तों, पहला सोमवार 10 तारीख को पड़ रहा है। तो आज बात करेंगे शिव भगवान के विषय में कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाल चुके हैं। मैं आज दोस्तों आपको बताऊंगी कुछ संकेत जिससे आप खुद ही जान सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि बना चुके हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। दोस्तों, सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में दोस्तों शिव भोलेनाथ ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी जितनी भी शक्तियां धरती पर सभी के सभी भ्रमण करती हैं, पूरे के पूरे महीने रहती हैं। और इस बार 2023 में सावन 2 मास का है, तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा साल व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, सावन के महीने में जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, वो भगवान से जो अगर कुछ भी मांगते हैं तो बाबा उन्हें ज़रूर से ज़रूर देते हैं। जो भी व्यक्ति बाबा भोलेनाथ को स्नान कराता है, बाबा की पूजा प्रार्थना करता है, शिवलिंग को जल चढ़ाता है, बाबा की सेवा उठाता है, तो बाबा भोलेनाथ उस पर विशेष कृपा अपनी बनाते हैं। तो दोस्तों जानते हैं पहला संकेत, जब आपको ये फील हो, ये महसूस हो, आपका दिल बार बार बाबा की प्रतिमा देखने को करे, शिव भगवान के मंदिर में जाने को करे, शिवलिंग के पास बैठे रहने को करे, आपके घंटों घंटों लग जाते हैं बाबा को निहारने में, बाबा को देखने में, एक अलग से ही मन इतना खुश होता है बाबा को देखने में, तो आप समझ जाइए कि शिव कृपा आप पर हो चुकी है। दूसरा लक्षण जो है वो इस प्रकार है, जैसे आप भोले बाबा के मंत्र जाप करते हैं माला लेकर, तो आपका मन ये करेगा कि 10 मिनट बैठ लूँ, तो 10 मिनट जब आप बैठोगे तो आपका मन करेगा और 10 मिनट बैठ जाऊँ, जाप करूँ, फिर और 10 मिनट बैठ जाऊँ, तो ऐसे ही आपको घंटों घंटों बाबा के माला मंत्र जाप करने में आपके निकल जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप सोमवार के जैसे व्रत रखना स्टार्ट करते हैं या फिर आप भोले बाबा की पूजा प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में कई दिन पहले ही उमंग, एक अजीब सी खुशी आपको फील होने लगेगी कि हाँ भाई परसों कल सोमवार है या फिर कल सोमवार है। आपका मन बहुत ही प्रतिकूल व्याकुल होने लगेगा बाबा की तरफ को, आपका मन बहुत ही खुश होने लगेगा ये बात को सुनकर, फील कर कि कल परसों सोमवार है, आपको व्रत पूजा करनी है, बाबा के मंदिर जाना है। तो दूसरा संकेत ये है दोस्तों, ध्यान करते समय आपके सामने अगर बाबा भोलेनाथ का चेहरा दिखे या प्रतिमा दिखे या फिर नंदी जी दिखे या फिर बाबा का कोई भी रूप दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बन चुकी है, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर आ चुकी है। एक संकेत दोस्तों ये है, सपने के माध्यम से आप अपने आप को बाबा शिवलिंग के पास बैठा हुआ फील करेंगे, या फिर आपको सपने में बाबा भोलेनाथ साक्षात दर्शन देंगे, या फिर बाबा का मंदिर दिखाई देगा, बाबा का डमरू दिखाई देगा, बाबा का त्रिशूल दिखाई देगा, कोई भी ऐसी चीज़ आपको बाबा की से जुड़ी हुई हो जो वो आपको सपने के माध्यम से दिखाई दे सकती है। दोस्तों, एक जो संकेत है वो इस प्रकार है दोस्तों, जैसे बाबा भोलेनाथ का आपने किसी के मुँह से नाम सुन लिया, या फिर आपने कोई भजन सुन लिया, या बाबा से कोई भी जुड़ी हुई बात आपने सुन ली, तो आपका मन रोमांचित हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दिव्य स्थान पर हैं और आपके मन को, आपके तन को एक शीतलता फील होने लगेगी, आपके चेहरे पर एक दिव्य प्रकार का तेज आ जाएगा, आपके आँखें आंसू में भर जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जिसके साथ ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, बाबा भोलेनाथ की उन पर कृपा दृष्टि बन चुकी है, कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। तो आज मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, आज वीडियो में इतना ही। तब तक मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मंगल कामनाएँ करूँगी, और जो भी प्यारी प्यारी आँखें वीडियो को देख रही हैं वो वीडियो में जय बम बम बोले या जय शिव बोले या जय भोलेनाथ लिखें और वीडियो को शेयर करें। अब लेते हैं इजाज़त दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।